हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? इस टाइम मेरे ऊपर काम का भी बहुत प्रेशर है और टेंशन्स भी घर में बहुत ज़्यादा हो रखी है। एक तरफ तो आप समझ ही सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस में ही टेंशन हो रखी है, दूसरी तरफ घर में भी टेंशन है। मेरे को सबसे ज़्यादा फिक्र मेरी माँ की हो रखी है। और ये सुबह का टाइम था, 6:30 बजे मैं उठ गई थी, और उठते ही मैं रसोई में जाके सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। नाश्ते में मैं बनाने लग रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। विहान को आज मैं स्कूल नहीं भेजूंगी क्योंकि विहान ने लेट कर दिया। रात को टाइम से सुला दिया था मैंने, 9 बजे सो भी गया था, लेकिन सुबह 3:30 बजे जाग गया और 6 बजे फिर दोबारा सो गया। अब क्या जगाऊं? अगर जगाती विहान को तो फिर विहान की सिर में दर्द हो जाता, नींद खराब होती। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो विहान को सोने देते हैं, और विहान को फिर सुबह 8 बजे एक बार दवाई दे के फिर 9 बजे तक मैंने विहान को सोने दिया था। और आज की भी मैंने स्कूल की छुट्टी करवाई, विहान की 2 दिन की छुट्टी हो गई, थर्सडे की भी फ्राइडे की, और सैटरडे संडे विहान की छुट्टी होती ही है। तो आज मुझे हॉस्पिटल में जाके दिखा के आना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैंने कुछ रूटीन टेस्ट करवाए थे, अपने हेल्थ चेकअप्स करवाए थे आज से 2 महीने पहले, बट उन रिपोर्ट्स को मैं डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई दिखाने के लिए, और उन रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ है। जो गड़बड़ है वो मैं आपको बाद में बता ही दूंगी, शेयर कर दूंगी एक बार थोड़ा कन्फर्म हो जाए। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे आलू गोभी कट कर दिया था और प्याज भी कट कर दिया था और लहसुन भी, और यहाँ पे तेल मैंने तेल चढ़ा गरम दिया हो था, गया है। और इधर देखो तेल अच्छे से गरम हो गया था। अब प्याज, तेल कम कर दिया, इसमें निकाल दिया, कटोरी में ज्यादा डल गया था। अब इसमें बस मैंने ये हल्दी और नमक मसाला ऐड किया है, और तीसरा कोई मसाला ऐड नहीं किया। अभी नहाई न्यू, बस मुंह धो के मैंने लैक्मे का काजल लगाया है, और लैक्मे की ही अभी लिपस्टिक लगा के आई हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा फेस। और अभी मैं सोच रही हूँ आज विहान को स्कूल ना भेजूँ, क्यों आप जानना चाहते होंगे तो मैं आपको बताती हूँ। 3:30 बजे रात को जाग गया विहान और 6 बजे सोया है अब, क्योंकि रात को सोया था ये 9 बजे, और 3:30 बजे फिर उठ गया। इसको नींद नहीं आ रही थी उस टाइम, ये जागता रहा, फोन चलाने लग गया, और अब 6:30 बजे सोया है। अब आप ही मुझे बताइए, इसको वैसे ही मिर्गी की दिक्कत है अभी फिलहाल, दवाइयाँ चल रही हैं मेरे बच्चे की, और मैं विहान को अब 8 बजे इसका स्कूल है, तो अब 7:30 बज रहे हैं, या तो मैं अब इसको उठा दूं 1 घंटे बाद ही। बट मुझे लगता है कि ना, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि बच्चे को ना नींद से उठाना सही नहीं है ऐसे, अब इसको सोने देते हैं। अब ये उठेगा, बस दवाई दूंगी 8 बजे इसको, एक बार नींद में दे दूंगी, उसके बाद अब ये उठेगा 9:30-10 बजे तक, वरना बच्चे है ना इसके भी देखो सिर में दर्द हो जाएगा। मैं फोन कर रही हूँ स्कूल में कि आज इसकी कैब आए ना। बाकी हाँ, मैं टाइम से उठ गई थी, खाना बनाना सब मैंने शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ, और आटा मैं 2 टाइम का गूंद लेती हूँ सुबह ही, सुबह का भी बन जाता है, उसके बाद दोपहर को भी 2-1 बजे जब हम लंच करते हैं तो बना लेते हैं। और ये देखो, यहाँ आटा गूंदूंगी मैं, और बहुत ज़्यादा अभी लाइफ में टेंशन चल रही है मेरी ज़िंदगी में। और कल मेरी मम्मी से वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई थी, पहले फ़ोन पे बात हो रही थी, तो फ़ोन पे मेरी मम्मी के अंदर ना अभी शरीर में उतनी जान नहीं है कि वो ज़्यादा बात कर सके, वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती है, तो उनके मेन तो यही दिक्कत हो रखी है। तो कल मैंने उनको वीडियो कॉल पे देखा ना, तो एक्चुअली उन्होंने वीडियो कॉल करवाई थी पापा जी को बोल के कि मेरे को विहान को देखना है। तो विहान को जब देखा, मम्मी काफ़ी खुश हो गए थे, उनके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, बट उनका क्या था ना, मैंने उनका चेहरा देखा ना, एकदम सफ़ेद पड़ रखा है, उनकी जैसे आँखें हैं ना, आँखें के नीचे जैसे सफ़ेद सफ़ेद वो पड़ रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो रखी हैं आँखें एकदम बाहर, मतलब ऐसे नीचे जैसे हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं ना, वो एरिया एकदम सफ़ेद सा पड़ रखा था, एकदम रंग उड़ा पड़ा था मेरी मम्मी का, जैसे खून हो ही ना शरीर में, पानी हो बिल्कुल, इतना ज़्यादा मुझे खुद को देखने से ही समझ आ रहा था कि मम्मी की हालत अभी अंदर इंटरनली अभी ठीक तो नहीं है। तो फिर मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी कैसे हैं? तो मम्मी, लेकिन हाँ इतना है कि खा रहे हैं, जैसे वहाँ होटल कह रही हूँ, सॉरी हॉस्पिटल में खाना आता है तो खाना वो खा रहे हैं, बस बोल नहीं पाते हैं, चाय उनको बिना चीनी वाली फीकी चाय देते हैं। तो अभी डॉक्टर देखो क्या बोलते हैं आगे, टेस्ट वेस्ट अभी थोड़े से और करवाए हैं,
तो ये देखो यहाँ पे मैं विहान के लिए देखो घी का परांठा बनाने लग रही थी। सुबह सुबह विहान को आधा परांठा खिला दिया था। स्कूल की छुट्टी मैंने बस इसीलिए ही करवाई थी विहान की, क्योंकि मेरे को विहान की हेल्थ मेरे लिए बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं नहीं चाहती कि उसको नींद से उठा के मैं स्कूल भेजूँ। 10 मिनट के लिए मैंने गैस बंद करके भाप में बनाई थी सब्जी, तो मुझे लगता है बन गई होगी अब तक। थोड़ा सला देती हूँ आलू। ये देखो आलू गल गया एकदम, आलू भी गल गया है और गोभी भी। तो सब्जी तो ठीक बन गई है। मैंने अपना खाना परोस लिया है। मैंने आलू गोभी की सब्जी ली है और 2 रोटियां। दही मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि देखो इतनी सी बची हुई है, आज शाम को जाके लेके आऊंगी दुकान से, तो ये विहान के लिए रख दी मैंने। इधर ना विहान सो रहा था और मैं विहान को गौर से देख रही थी। एक्चुअली जब विहान सोता है ना तो उसका जो फेस है, आईब्रोज वाला एरिया है, उसके अलावा नाक हो गया, होठ हो गया, ये जो चेहरा स्पेशली आईब्रोज वाला है, पूरा फेस मेरे हस्बैंड से मिलता है। तो मैं जब भी विहान सो रहा होता है तो मैं विहान को ध्यान से देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड ही हैं, क्योंकि चेहरा हूबहू जैसे खेल वैसे नहीं, लेकिन जब ये प्रॉपर सो रहा होता है ना तो आँखों वाला एरिया, नाक तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड पे है, होठ भी, आँखों का एरिया भी बिल्कुल टिप टॉप कॉपी है मेरे हस्बैंड की। तो ये देखो अभी विहान उठा नहीं था तो मैंने कहा चलो इतने मैं रोटी खा लेती हूँ, तो मैंने नाश्ते में 2 रोटी खाई थी। और देखिए मेरी जो रिपोर्ट थी ना, मुझे नहीं पता था कि मेरे को टाइफाइड था। 2 महीने पहले जब मैंने वो टेस्ट करवाए थे ना, मुझे लैब वालों ने भी बोला था कि आपके टाइफाइड है, तो मैंने कहा था नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैं गई थी, मेरे बॉडी में पेन रह रहा था करीबन 1 महीने से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मुझे कुछ देखिए, मैंने बहुत सोचा। इधर मैं ये विहान के लिए सेब काट रही थी और मैं यही बात बोल रही थी कि मेरे को ना एक्चुअली आज से 2 महीने पहले मेरे ना काफ़ी ज़्यादा 2-3 महीने पहले बॉडी में पेन होता था, मेरा शरीर में बहुत हड्डियां तक दर्द कर रही थी, इतना दर्द होता था, मुझे पता नहीं था कि मेरे क्यों हो रहा है ये दर्द, तो मुझे समझ नहीं आया। तो मेरे को लगा कि चलो मैं एक बार टेस्ट करवा लेती हूँ डॉक्टर के जाके, तो मैंने ना 3,500-4,000 रुपये के करीबन टेस्ट करवाए थे। और ये देखिए मैं ना फ्री होके वीडियोज़ नहीं देखती, मुझे किसी की भी वीडियो देखनी होती है ना तो मैं ऐसे ही बर्तन धोते धोते ना चला लेती हूँ, क्योंकि टाइम निकाल के वीडियो नहीं देखी जाती है। आपको जो काम कर रहे होते हो, काम करते करते ही वीडियो देखते हो, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा आप भी ऐसा करते हो क्या कि जैसे फ़ोन चला लिया और साथ में अपने बर्तन धो लिए, रसोई का काम भी कर लिया, तो काम भी आपका टाइम भी ख़राब नहीं होता और दोनों काम हो जाते हैं, काम का काम भी हो जाता है और YouTube भी हम चला लेते हैं, वीडियोस भी देख लेते हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि ना मेरे को ना उस टाइम क्या था कि मैंने टेस्ट करवाए, तो उस दिन ना डॉक्टर के पास भीड़ बहुत थी, रिपोर्ट्स दिखाने के लिए इतनी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने डिसाइड किया, उस दिन बारिश भी आ रही थी, कि चलो मैं अगले दिन चली जाऊँगी रिपोर्ट्स दिखाने। करीबन 3,500-4,000 रुपये के मैंने टेस्ट करवाए थे उस दिन, बट उसके बाद मेरा जाना ही नहीं हुआ। वो रिपोर्ट्स मेरी ऐसी की ऐसी कहीं, मेरे को तो 1 महीने से पता भी नहीं था कि मेरी वो रिपोर्ट्स रखी कहाँ है, फिर सफाई करते हुए मुझे मिल गई तो मैंने संभाल के रख दी। तो कल रात को मैं ऐसे ही देखने लग गई, मैंने कहा देखूं तो सही मेरी रिपोर्ट्स में था क्या, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया उस टाइम। तो रिजल्ट वाले सेक्शन में ना वो लिखा हुआ था थोड़ा साइंटिफिक फॉर्म में, तो मैंने वो थोड़ा गूगल करके पढ़ा तो मुझे पता चला कि टाइफाइड, मेरे को थायरॉयड नहीं है, वो स्पेलिंग की मैंने गलत लिख दी थी शायद कम्युनिटी पोस्ट में, मुझे टाइफाइड फीवर था आज से 2 महीने पहले और मुझे पता नहीं चला, तो वो मेरे ख्याल से अपने आप ही ठीक हो गया। ये मैंने नींबू पानी बनाया है 2 गिलास, लो विहान आप भी पी लो, कोका कोला पी लो अपनी। अब नींबू पानी पी लो, मैं कोका कोला पीऊंगी। कैसी है? नींबू पानी पी लो, मैं कोका कोला पीऊंगी। चलो प्यार, गर्मी लग रही थी बहुत, धूप में आई थी ना, कहीं काम था अभी, नीली बना ली। क्यों रो रहे हो बच्चे? आपका बलून टूट गया, और दिलवा दूंगी दुकान से। बेटा वो तो टूट गया ना। अभी मैं दुकान पे जाऊंगी, एक्चुअली दोपहर को नहीं जाया जाता क्योंकि मेरे घर से ना दुकान तक 25 मिनट जाने में लगते हैं, 25 मिनट आने में, तो 50 मिनट का रास्ता हो जाता है,
तो गर्मी में निकलना ही ऐसे हो जाता है कि कौन जाए। तो अभी ठीक है मौसम, थोड़ा सा शाम का टाइम है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो अभी मैं जा सकती हूँ और जो भी मुझे सामान लेना है शॉप से वो भी मैं ले आऊँगी। तो बाबू को अपने साथ ही लेकर जाती हूँ मैं। बलून कहाँ गया? मेरा बलून वो तो टूट गया। मेरा बलून ये जो रोड आपको नजर आ रही है ना, तो मुझे पूरा घर से सीधा 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 बिल्कुल आखिरी में जाके वहां पे दुकानें पड़ती हैं। तो मैं इधर दुकान पे आई थी, मैंने एक तो ये अमूल दही लिया है, एक ये मिल्क लिया एक पैकेट, एक ये लक्ष्य प्रीमियम दही का ये बड़ा पैक ले लिया। इस ये 11 अक्टूबर तक एक्सपायर नहीं होगा, ये कल तक एक्सपायर हो जाएगा, 6 तक है तो पहले ये यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा मैंने ये ब्राउन आटा ब्रेड लिया है, इसका भी एक्सपायरी डेट मैंने चेक कर लिया है, 10 तारीख तक का है तो ये यूज़ हो जाएगा। ये ले लो बेटा, ये ठीक है, ये ले लो ठीक है। कितने का है पैकेट, रेट देखने दो। चलो बाबू आ जाओ, चलते हैं अब। ये तो मैं ले लूंगी, आप आ जाओ। तो बस बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेती घर के लिए, दूध दही यही सब खरीदने के लिए दुकान पे आती हूँ। और देखिए आपके कल कमेंट आ रहे थे ना कि आपको थायराइड में वेट बढ़ता है वेट घटता है, तो मेरे को थायराइड नहीं है, मेरे को टाइफाइड था। और वो मैंने रिपोर्ट कम्युनिटी में पोस्ट भी कर दी थी और अब मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। सुबह पापा जी से बात हुई तो पापा जी बोल रहे थे कि वो तो टाइफाइड अब तेरा ठीक हो चुका, क्योंकि 2 महीने पहले था तेरे टाइफाइड, अब तक थोड़ी शरीर में टाइफाइड रह रहा होगा। वो तो टाइफाइड क्या होता है पापा जी बोल रहे थे, जब आपका 4-5 दिन बुखार आता है और बुखार आपका ठीक नहीं होता तो वो टाइफाइड बन जाता है। मैंने कहा अच्छा, तो बोलते बस डॉक्टर क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स देते हैं ऐसे में। तो टाइफाइड पता है एक्चुअली मेरे बुखार तो हुआ ही नहीं, मैं वही तो सोच रही हूँ, मेरे फीवर तो कभी निकलता ही नहीं है एक्चुअली। मेरे को हाइपोथर्मिया है, मेरा बॉडी टेम्परेचर 94.6-95 इससे ऊपर कभी नहीं रहता, तो मेरा बॉडी टेम्परेचर लो रहता है, इस वजह से मेरे को ना कभी फीवर होगा भी तो ना बॉडी से बाहर नहीं निकलता मेरा फीवर, इंटरनल थोड़ा सा रहता है, मुझे पता नहीं चलता कि मेरे बुखार हुआ भी है। हाँ बस मेरे सिम्टम्स पता है टाइफाइड के बस ये थे कि मेरे बॉडी में हड्डियों में दर्द हो रहा था, मेरी बॉडी पेन हो रहा था, हाथ दुखते थे, मेरे पाँव दुखते थे और वो तो मेरे अभी भी दुखते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है। तो ये देखो, ये मैंने रात के खाने की तैयारी कर ली थी, इसमें मैंने जो रोटी है उनको मैं घी लगा रही हूँ, साथ में दही है और आलू गोभी की सब्जी है, तो यही अभी एक डब्बा और घी का लाना पड़ेगा मुझे, एक घी का डब्बा भी ख़त्म होने वाला है। और देखिए मम्मी से मेरी बात हुई थी अभी वीडियो कॉल पे करवाई, पापा जी ने विहान के साथ बात करवाई तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा अच्छे से मम्मी हिम्मत करके बात तो कर रहे थे विहान से, बोल रहे थे हाँ बेटा कैसा है इस तरीके से, ऐसे बोलते कि ना इसको मतलब ये दूध पिलाया कर, इस तरीके से विहान से बातें कर रहे थे, कैसा है मेरा बच्चा, ऐसे ऐसे बात तो कर रहे थे। बस ये है कि लेकिन एकदम से ना मम्मी डाउन हो गई, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई एकदम से। तो ये देखो, ये दूध में इलायची डाली थी, इलायची डाल के ये दूध गर्म करके इसमें से विहान को कॉम्प्लेन मिला के पिलाऊंगी, और मैं सिंपल इलायची का दूध पी लेती हूँ, मुझे इलायची की खुशबू दूध में बहुत अच्छी लगती है और मैं इसे पसंद करके पीती हूँ। तो एक दिन छोड़ के एक दिन दूध पीते हैं हम, रोज़ नहीं पीते हैं, जैसे आज पी लिया तो फिर परसों पियेंगे। वैसे दही तो हम रोज़ अभी खा ही रहे हैं, दही और चीज़ों में बहुत प्रोटीन कैल्शियम होता ही है तो एक पी रहे हैं हम। देखिए ये मेरी रिपोर्ट थी, इसमें देखिए खुद लिखा हुआ है रिजल्ट, रिजल्ट में लिखा है सिग्निफिकेंट लेवल पैटर्न ऑफ अग्लूटिनेशन स्पेसिफिक सेरोलॉजिकल डेटा सजेस्टिव ऑफ एंट्रिक फीवर। और ये वाली जो रिपोर्ट है इसमें देखो एपिथेल सेल्स 1-2-3 है, मतलब मुझे इस टाइम UTI है। जो यहाँ पे एंट्रिक फीवर लिखा हुआ है ना उसको टाइफाइड बोलते हैं, ये मुझे भी नहीं पता था। और ये रिजल्ट पे ना जब मैं ये रिपोर्ट्स लेकर आई थी आज से 2 महीने पहले, अभी तक मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाई है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये रिपोर्ट्स मैंने टेस्ट करवाए उस दिन रिपोर्ट्स तो मुझे मिल गई, बट डॉक्टर के पास इतनी भीड़ थी ना, इतने पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए खड़े थे और बारिश भी आ रही थी, और उस दिन आए थे पापा जी घर काफी टाइम बाद, तो मेरे को ये था कि चलो कोई नहीं पापा जी से मिलेंगे घर जाके, रिपोर्ट्स मैं बाद में दिखा दूंगी।
कल दिखा दूंगी, बट कल मेरा आया ही नहीं। उसके बाद मैं अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई, कभी यूट्यूब पे वीडियोस डालना, कभी बच्चा संभालना, कि मुझे टाइम ही नहीं लगा। हाँ जाके खाओ बेटा, बना के आई हूँ ना अभी आपकी ब्रेड, ठंडी होगी होगी, रोटी बना रखी थी, रोटी नहीं खाई, ब्रेड खानी है। मैंने कहा मैंने घी लगा के बना के दी अभी। तो मेरे को ना उस टाइम क्या था कि रिपोर्ट्स मैंने खुद देखी सारी, तो मेरे को रिपोर्ट्स में बस ये लगा कि चलो मेरे को यूटीआई है, यूटीआई इन्फेक्शन है, वो तो मुझे समझ में आ गया रिपोर्ट पढ़ के, बट उसका तो मेरे को चलो लगा कि मैं ले लूंगी दवाई, हो जाएगा ठीक, बट मेरा ध्यान ही नहीं गया इसके ऊपर, रिजल्ट वगैरह इसके ऊपर। अब गया, कल रात को देखा मैंने बैठ के, मैंने कहा यार ये तो क्या। तो उस टाइम लैब टेक्नीशियन ने भी मुझसे पूछा था कि आपको टाइफाइड है, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं है, क्योंकि उनको तो रिपोर्ट्स पढ़नी आती है, वो पढ़ भी लेते हैं, ऐसे देखते हैं ना जब देते हैं रिपोर्ट्स, तो एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या है इस पेशेंट के, क्या दिक्कत है, क्या है, उनको भी थोड़ा सा वो होता है ना, एक क्यूरियसिटी होती है कि जानने की कि कौन से पेशेंट को कौन सी बीमारी है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा मेरे को देखो, मेरे को कोई बुखार तो कभी रहा नहीं, मैं यही बात साफ बोलती हूँ, मेरे को क्या दिक्कत हो रही थी पिछले 2-3 महीने में जो मैंने ऑब्जर्व की अपनी बॉडी में, मेरे बॉडी पेन बहुत था, मेरा हेयर फॉल हो रहा था और मेरे बॉडी में हाथ दुख रहे, मैं कह रही ना मेरी उंगलियां दुख रही हैं, मेरे पांव दुख रहे हैं, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये सिम्टम्स थे। दूसरा सिम्टम्स था मेरे सिर में दर्द, मैंने आपको बताया था कि मेरे माइग्रेन की दिक्कत है, बट मेरा माइग्रेन हर दूसरे तीसरे दिन हो रहा था, उस टाइम सिर का दर्द बढ़े जा रहा था। हाँ खा लो बेटा, बनाई है ना, अच्छी है ब्रेड। तो सिर का दर्द हो ही जा रहा था, और तीसरा हाँ मेरे पेट में दर्द थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हो रहा था, बट इससे ज्यादा कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई सिम्टम्स मुझे थे, मेन बॉडी पेन था। तो अभी पापा जी ने बोला तेरा टाइफाइड अब तक तो ठीक हो गया होगा, क्योंकि वो तो 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर भी डॉक्टर को, मेरे को लगता है कि रिपोर्ट्स दिखानी तो मुझे वैसे भी थी, तो टेस्ट वगैरह दिखा लूंगी। और मैं सोच रही हूँ एक बार विहान को भी डॉक्टर के दिखा लूं, क्योंकि विहान के आज से 1 साल पहले ना यूरिन में इन्फेक्शन था, उस टाइम दवाइयां दी थी डॉक्टर ने और मैंने दी भी हैं दवाइयां विहान को, लेकिन उसके बाद ना डॉक्टर ने फिर आगे टेस्ट करके देखा नहीं कि इन्फेक्शन ठीक हुआ नहीं हुआ। उन्होंने मतलब एक कंक्लूजन होता है ना कि आपने दवाइयों का कोर्स पूरा बच्चे को करवा दिया है तो वो ठीक ही होगा, तो उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। तो 1 साल हो चुका, क्योंकि देखो मेरी मम्मी के यूटीआई निकला है, मेरे तो यूटीआई देखो जब भी मैं टेस्ट करवाती हूँ ना मेरा 90% पॉजिटिव रहता है। मैंने ये चीज कल मैं यही बात सर्च कर रही थी गूगल पे कि मतलब यूटीआई तो बहुत नॉर्मल है, लेडीज को हो ही जाता है, हर 2 में से 1 लेडीज को यूटीआई, नहीं हर 5 में से 2-3 लेडीज को यूटीआई मिलता ही है, बट उनमें से ना जैसे मेरा यूटीआई पता है कैसा है, मेरा ऐसा है कि ना मेरे को, मैं कभी भी जैसे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह कहीं भी यूज करूं कुछ भी, तो मेरे को यूटीआई बहुत जल्दी होता है इन्फेक्शन। मैं और मेरा ऐसा है कि देखो मैं जब भी हर 6-8 या हर साल एक बार जरूर यूटीआई का टेस्ट करवाती हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, मतलब बहुत ज्यादा खास फ्रेंड नहीं थी, बस जानती थी मैं कि वो है, उसका ना उसके साथ यही चीज बनी थी, उसका ना यूरिन में इन्फेक्शन हुआ और यूरिन का इन्फेक्शन यूटीआई, उसकी किडनी फेल कर गया था, वो डायलिसिस पे चली गई थी लड़की, 4-5 साल से डायलिसिस करवा रही थी और यूटीआई से, और यूटीआई क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, वो भी सिर्फ 10 दिन की दवाइयों से ठीक हो जाता है, बट मेरा रिकरेंट वाला है, मतलब मेरा हो जाता है बार बार। अभी देखो ना 1 साल पहले जब मैंने यूटीआई टेस्ट करवाया था, जब मैं मम्मी के साथ रहती थी, मेरा पॉजिटिव आया था और मैंने उस टाइम पूरा प्रॉपर उन्होंने जो मुझे मेडिकेशन दिया था मैंने खाया था, प्रॉपर जो भी दवाइयां दी ली, इवन मैं 2 लेकर आई थी, डबल डोज लेकर आई थी उस टाइम, मैंने मम्मी के लिए भी लाई थी, क्योंकि मेरे को पता था, क्योंकि देखो मेरे यूटीआई है तो मेरी मम्मी को मिलेगा, मैंने मम्मी को दवाइयां प्रॉपर ला के दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी डॉक्टर के जाने को तैयार नहीं थे, मैंने उस टाइम भी बोला था मम्मी एक बार चेक करवा लो अपना यूटीआई टेस्ट हर साल करवाना चाहिए, तो मम्मी नहीं माने, तो मुझे पता था कि चलो यूटीआई टेस्ट की, तो देखो यूटीआई की कॉमन दवाइयां होती हैं वही चलती हैं, तो मैं लेकर आई थी, मैंने कहा जितनी जो मेरे को 10 दिन का कोर्स था ना, मैं 20 दिन की दवाई लाई थी, 10 दिन की मेरी 10 दिन की मम्मी की, बट मम्मी ने खाई नहीं, मानी ही नहीं मम्मी, मैंने उनके लिए वो गोलियां भी लेकर आई थी, इस तरीके की होती हैं वो, उसको ना रखने से वो इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है, तो वो गोलियां भी मैं डबल लाई थी बट मम्मी ने वो भी नहीं ली। तो इन्फेक्शन देखो ना मेरी मम्मी का भी, तो यूटीआई इन्फेक्शन कितना बढ़ गया उनका, पता है इस टाइम कितना था, मेरा 1 से 3 है ना वैल्यू, मेरी मम्मी का 12 से 14 वैल्यू है, 12 to 14 ये यूटीआई एपिथेलियल सेल वैल्यू, कितना हैवी इन्फेक्शन जो कि किडनी तक पे पहुंच गया,
तो ये छोड़ मतलब मम्मी को हमेशा मैंने कहा मम्मी दवाई ले लो, मम्मी हमेशा ही कह देती नहीं मैं पानी पी पी के अपना इन्फेक्शन अपने आप ठीक कर लूंगी। क्योंकि देखो कई लोगों के मन में ये सोच होती है कि नहीं दवाई नहीं खानी है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अपना घरेलू इलाज करना है। मेरी मम्मी नहीं मानते थे, उस टाइम भी मैंने मम्मी को बोला था और मैंने आज से इतनी बार मेरी मम्मी को बोला था मम्मी आपके झाग बनते हैं बाथरूम में, आपको शुगर पाएगी, बाथरूम में झाग शुगर के पेशेंट के बनती हैं, कभी देख लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिएगा, अगर आप में से भी किसी के झाग बनते होगे ना तो आप शुगर टेस्ट करवाओ, आपकी शुगर या किडनी इन दोनों में से कोई एक चीज निकलेगी, क्योंकि आपकी प्रोटीन लीकेज हो रही है, प्रोटीन लीकेज इन दो केसेस में होती है। तो मैंने बोला भी तो मम्मी ने मेरे को डांट दिया, बोलते मेरे कोई शुगर वुगर नहीं है, ऐसे में थोड़ा बोलते हुए ऊंची आवाज में बोलते मेरे कोई शुगर वुगर नहीं है, तो ऐसे ना बोला कर, मतलब इस तरीके से कि थोड़ा शुभ शुभ बोला कर। तो मैं भी चुप हो गई, मैंने उस टाइम भी कहा था, बोलते मम्मी बोलते मैं टेस्ट करवा रखे हैं पहले सारे, तो उस टाइम भी नहीं माने। और अब देखो ना वही यूटीआई इन्फेक्शन और शुगर, इन दोनों की वजह से मेरी मम्मी की किडनी खराब नहीं हुई है बट किडनी पे सूजन आ गई है। अब देखो वो दवाइयां देंगे ठीक होएगी धीरे धीरे। क्यों भाई फोन से क्यों खाना है ब्रेड? फोन से खाना है ब्रेड। फोन से कौन खाता है बेटा ब्रेड? मम्मी फोन से खा रहा है ब्रेड। कैसी है? फोन से खाना है ब्रेड। फोन मांग रहा है मेरा, कह रहा है फोन दे दो, फोन देखते हुए खाना है ब्रेड, इसका मतलब है फोन से खाना है, मतलब फोन देखते हुए खाना है। आज मेरे ऊपर बहुत बहुत प्रेशर है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना काम का भी लाइफ का भी, तब और भी नेगेटिव चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, मैंने देख लिया। अभी ऑलरेडी इतना प्रेशर है चीजों का बता नहीं सकती हूँ, और वाईफाई नहीं चल रहा वीडियो कैसे डालूंगी, तीन मोबाइल फोन है मेरे पास, तीनों में रिचार्ज खत्म हो गया है, फोन भी नहीं कर सकती इस टाइम में। चलिए करती हूँ, जब तक आएगा वीडियो आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।